हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, वन रो की डिजाइन है। आप जैसे राइट साइड से बुनाई करेंगे वैसे ही रॉन्ग साइड से बुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आपको डिजाइन पैटर्न बताते हैं। ये टू के मल्टीपल फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न बनेगा, प्लस साइड के टू एड स्टिच लेने हैं आपको। तो हमने टोटल ये 16 फंदे लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये डिजाइन पैटर्न सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए डिजाइन पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये फर्स्ट फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। ये आप चाहें तो स्लिप भी कर सकते हैं और बुनना चाहें तो बुन भी सकते हैं। अब ऊन के धागे को हम अपनी साइड लाएंगे, देखिए अपनी साइड लाएंगे और वन फंदा ये जाली वाला लेंगे और देखिए ये टू का वन करेंगे। देखिए राइट साइड है, राइट साइड रो वन है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करना है। देखिए बहुत ही इजी सा पैटर्न है फ्रेंड। ऊन के धागे को देखिए ऐसे एक जाली वाला फंदा लेंगे और ये टू का वन करेंगे, या आप इस तरह भी डाल सकते हैं। ऊन के धागे को बैक साइड करिए, ऐसे ऐसे भी करिए तो देखिए आपका जाली वाला फंदा आ जाएगा। आप इस तरह भी जाली वाला फंदा ले करके देखिए टू का वन कर दीजिए। देखिए जाली वाला फंदा लीजिए और ये टू का वन कीजिए। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सुंदर इसका शॉल स्टॉल मफलर वगैरह बनेगा। कार्डिगन में आप इसका बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग ढूंढते हैं कि कार्डिगन में जाली वाला बॉर्डर मिल जाए। तो देखिए हमारा ये रोवन कंप्लीट हो गया है और ये सीधा बुन देंगे क्योंकि ये राइट साइड है और ये वैसे दोनों साइड से एक जैसा डिजाइन पैटर्न फ्रेंड्स दिखता है। आप शॉल स्टॉल मफलर बनाएं तो सिलाई को मोटी वाली ले लीजिएगा। देखिए हमारा ये फर्स्ट फंदा, इसे स्लिप करेंगे तो जैसे हमने रो वन में किया था फ्रेंड्स, देखिए वही उसी तरह हमें ये रिपीट करना है। देखिए जाली वाला फंदा लेंगे और ये टू का वन करेंगे, बहुत ही इजी सा। देखिए वन रो की ये सलाई है, देखिए जाली वाला फंदा लेंगे और टू का वन करेंगे, जाली वाला फंदा लेंगे टू का वन करेंगे, जाली वाला फंदा लेंगे टू का वन करेंगे, जाली वाला फंदा लेंगे और देखिए टू का वन करेंगे, जाली वाला फंदा लेंगे टू का वन करेंगे, जाली वाला फंदा लेंगे टू का वन करेंगे। और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। वैसे इसमें रॉन्ग साइड राइट साइड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम, और देखिए हमारा ये जो है, अब ये इसी तरह आपको जो है रिपीट पैटर्न करते जाना है। देखिए आपको रिपीट करके दिखा दे रहे हैं। ऊन के धागे को ऐसे लपेटेंगे और यहाँ पर टू का वन करेंगे, उनके धागे को ऐसे लपेटेंगे टू का वन करेंगे। देखिए उनके धागे को लपेटना है और यहाँ पर टू का वन करना है। देखिए इसका मफलर फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा बनकर आता है। इसे शॉल स्टॉल मफलर बनाएं। देखिए जाली वाला फंदा लेंगे और टू का वन कर देंगे, बस यही आपको रिपीट करते जाना है और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन कर आएगा। ये देखिए साइड का एड स्टिच है, इसे हम सीधा बुने थे। तो फ्रेंड्स देखिए डिजाइन पैटर्न बनने के बाद ना, ये डिजाइन पैटर्न बनने के बाद ना देखिए इस तरह दिखता है। इसे आप मफलर बनाएं, शॉल स्टार डालें, इसे जो है ना आप जैकेट में या कार्डिगन में, फ्रॉक में, आप नीचे का फ्रॉक जब बना रहे हैं तो नीचे का घेरा बनाइए और इसे जो है ना जैकेट में कार्डिगन में नीचे बॉर्डर बनाइए, बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। देखिए दोनों साइड से सेम पैटर्न है,
इसे आप शॉल स्टॉल मफलर आप तो बड़े आसानी से बना सकते हैं, मोटा ऊल लेके, और आप चाहे तो पतले ऊल में भी बनाइए, और मोटा ऊल और मोटी सिलाई लेंगे तो और भी जल्दी सी तैयार होता है। और देखिए ये 3-ply का ऊन है और ये जो है 9 9 नंबर की सिलाई है, तो हमने ये पैटर्न बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत सा बनकर आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये राइट साइड था, ये रॉन्ग साइड था, दोनों साइड से आपको सेम पैटर्न दिखेगा। तो आप इसे आप बनाएं, आपको डिजाइन पैटर्न अच्छा लगा हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।